नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका चैनल पे एक और नई वीडियो के साथ। तो आज जैसा कि आपने टाइटल पढ़ा होगा, आज हम डिस्कस करने वाले हैं फॉर्ड इकोस्पोर्ट टाइटेनियम के वाइपर कंट्रोल्स के बारे में। सो बहुत से लोग जब नई कार अपनी परचेज़ करते हैं तो उन्हें बहुत सारे फंक्शन एंड फीचर्स के बारे में पता नहीं होता है। तो आज इस वीडियो पर आज हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो वाइपर कंट्रोल्स के बारे में, आपको कैसे उस फंक्शंस को यूज़ करना है अपने वाइपर कंट्रोल्स को, एंड साथ ही आपको कितने तरीके के मोड्स देखने को मिलते हैं, उन चीज़ों के ऊपर हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। हम आ चुके हैं अपनी कार फॉर्ड इकोस्पोर्ट टाइटेनियम के अंदर, एंड मैं बता दूं टाइटेनियम की ये पेट्रोल वेरिएंट है, एंड आज की जो वीडियो की टॉपिक है वो वाइपर कंट्रोल्स के ऊपर है। सो ये वीडियो स्पेशली उन लोगों के लिए जो अपनी नई कार परचेज़ करते हैं एंड बहुत से फीचर्स एंड फंक्शंस के बारे में नहीं पता रहता है। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि अपने वाइपर कंट्रोल्स को आप कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, साथ ही आपको कितने मोड्स देखने को मिलते हैं वाइपर्स में। सो सबसे पहले आपको वाइपर में चार मोड्स देखने को मिलते हैं। पहली मोड जो आपकी रहती है वो सिंगल या मिस्ड मोड रहती है। दूसरी मोड जो रहती है वो आपकी इंटरमिटेंट मोड रहती है, एंड थर्ड मोड जो रहती है वो आपकी नॉर्मल स्पीड मोड रहती है, एंड फोर्थ मोड की अगर बात करें, फोर्थ एंड फाइनल मोड के बारे, वो आपको हाई स्पीड मोड देखने को मिलती है। तो फॉर्ड इकोस्पोर्ट टाइटेनियम में आपको आपकी जो वाइपर कंट्रोल लीवर रहती है वो आपको यहाँ पे प्लेस होते हुए दिख जाती है। यहाँ पे आपको बहुत से ऑप्शंस देखने को मिलते हैं, एंड फ्रंट की, जैसे मैंने फ्रंट वाइपर्स के बारे में बताया, आपको चार मोड्स देखने को मिलते हैं। सो पहली मोड की अगर बात करें तो वो आपको सिंगल या मिस्ड मोड रहती है। उसे एसेस करने के लिए आपको सिंपली अपने वाइपर को नीचे की तरफ एक बार प्रेस करना है। नीचे की तरफ प्रेस करते हैं आपके वाइपर्स वर्क करेंगे एक बार, फिर यू वर्क होना बंद हो जाएंगे, एंड अगर आप इसे प्रेस करके रखे रहेंगे तो ये वर्क लगातार होते रहेंगे अनलेस अनटिल आप अपने फिंगर्स को लिवर से रिलीज़ कर दें। जैसे रिलीज़ आप करेंगे अपने फिंगर्स को, ये वर्क होना बंद कर जाएंगे। तो ये पहली सबसे मोड थी आपके सिंगल या मिस मोड। सामने की तरफ अगर आप देख रहे होंगे, ये बटन वाइपर्स की स्पीड को कंट्रोल करने के हैं। सो सिंगल मिस मोड में ये आपकी, आप इस बटन को यूज़ नहीं कर सकते, स्पीड को आप कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। वो एक सेट स्पीड है, वो उस हिसाब से आपकी स्पीड आपको प्रोवाइड करती है। सो सेकेंड मोड के बारे अगर बात करें तो सेकेंड मोड है आपकी इंटरमिटेंट मोड। इंटरमिटेंट मोड जो रहती है उसको आपको यूज़ करने के लिए सिंपली अपने लिवर को ऊपर की तरफ एक बार प्रेस करना है। ऊपर की तरफ प्रेस करते ही आपकी जो वाइपर्स हैं वो एक टाइम ड्यूरेशन के बीच में वर्क होना शुरू हो जाएंगे। जैसा कि आपने स्क्रीन पर आप देख रहे होंगे, ये टाइम ड्यूरेशन के बीच में ये वर्क करते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया था, यहाँ की ओर आपको एक वाइपर की स्पीड कंट्रोल करने का ऑप्शन देखने को मिलता है। सो यहाँ जिस हिसाब से अपनी स्पीड को आप सेट करेंगे, ये आपके इंटरमिटेंट मोड में उसी हिसाब से वर्क करेंगे। सबसे नीचे आपको लो स्पीड देखने को मिलता है, जहाँ पे आपको सिंगल ड्रॉपलेट का एक साइन सिंबल दिया हुआ है, एंड बीच पे आपको मीडियम स्पीड देखने को मिलते हैं, जो थ्री ड्रॉपलेट्स का जो सिंबल दिया गया है, यहाँ पे आपको सबसे हाई स्पीड मोड देखने को मिलती है। सो अभी फ़िलहाल मैं अगर सबसे स्पीड मोड में कर दूँ तो देख रहे हैं आप, थोड़ी जल्दी जल्दी इनकी ड्यूरेशन थोड़ी कम हो चुकी है, इनके ये जल्दी जल्दी वाइप कर रहे हैं स्क्रीन को। सो ये मोड उस समय यूज़ आती है जब आपकी हल्की बारिश हो रही हो, मीडियम रेंज मीडियम से थोड़ी कम बारिश हो रही हो, तब आप इसे यूज़ कर सकते हैं, एंड अपने हिसाब से आप यहाँ से आपसे स्पीड को सेट कर सकते हैं जैसा कि आपको इसकी यूज़ है। सो मूविंग टू द थर्ड मोड, अगर थर्ड मोड के बारे में बात करें, जो नॉर्मल स्पीड मोड है, उसे यूज़ करने के लिए आपको अपने वाइपर लिवर को एक और बार ऊपर की तरफ प्रेस करना होगा, एंड अब आप स्पीड देख सकते हैं, आपको कुछ इस तरह की नॉर्मल स्पीड प्रोवाइड करती है। जब आपकी एवरेज मीडियम बारिश हो रही होती है तब ये मोड काम आती है, आप इसे यूज़ कर सकते हैं उस वक्त, एंड ये अपनी स्पीड से यूज़ होते रहेगी। एंड अगर फोर्थ मोड के बारे में बात करें, जो आपकी हाई स्पीड मोड रहती है, उसे यूज़ करने के लिए आपको अपने वाइपर लिवर को एक और बार ऊपर की तरफ प्रेस करना होता है, एंड आप स्पीड देख सकते हैं, वाइपर से काफ़ी स्पीड हो चुके हैं, एंड काफ़ी स्पीड से ये वर्क कर रही है। जब बहुत तेज़ बारिश हो रही होती है, बहुत स्पीड बारिश हो रही होती है, तब आपको इस फीचर को, इस फंक्शन को, इस मोड को यूज़ करना चाहिए। आप स्पीड देख सकते हैं अपने हिसाब से कैसी ये स्पीड आपको प्रोवाइड कर रही है। सो ये कुछ चार मोड्स से चार मोड्स मैंने आपको क्लियर कर दिए। अगर आपको अपने वाइपर्स को वापस बंद करना है तो इसको वापस अपने लिवर को वापस अपने पोजीशन में ले जाए सबसे नीचे की ओर, एंड ये यूज़ होना बंद हो जाएंगे। सो अगर अपने आपको वाइपर के वॉशर एंड वाइपर्स को साथ में एसेस करना है, यूज़ करना है, तो सिंपली लिवर को आप अपने तरफ पुश करेंगे। पुश करते ही ये आपके वॉशर एंड वाइपर साथ में यूज़ होना शुरू हो जाएंगे, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, एंड जैसे आप अपने लिवर को रिलीज़ करेंगे ये वर्क होना बंद हो जाएंगे, जैसा कि आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पे। और ये कुछ फ्रंट वाइपर से कंट्रोल्स थे, एंड रियर वाइपर्स कंट्रोल्स के बारे में बात करें तो आपको रियर वाइपर कंट्रोल्स कौन से प्लेस होते हुए दिख जाते हैं। यहाँ पर आपको रियर वाइपर्स कंट्रोल्स देखने को मिल रहे होंगे। यहाँ तीन मोड्स का ऑप्शन आपको देखने को मिलता है। सबसे नीचे वाला ये ऑफ है, यहाँ से आप ऑफ़ कर सकते हैं अपने रियर वाइपर को। बीच वाला मोड है इंटरमिटेंट मोड, जैसा कि मैंने बताया था, आप अपने स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं, एक टाइम ड्यूरेशन के बीच में आपके वाइपर्स वर्क करते हैं,
एंड सबसे टॉप में जो है ये मोड है, ये आपकी है हाई स्पीड मोड। जब आप सबसे बहुत तेज़ बारिश हो रही होती है तब आप उसे एसेस कर सकते हैं। सो सिंपली अभी आपके रियर वाइपर्स ऑफ है, जैसे मैं इसे बीच पर लेकर आऊँगा तो आपके वाइपर्स इंटरमिटेंट मोड में यूज़ होना शुरू हो जाएंगे। एक टाइम ड्यूरेशन के बीच में ये वर्क करेंगे। एंड अगर मैं इसे सबसे ऊपर वाले मोड में ले जाऊँ तो ये हाई स्पीड मोड में वर्क करना शुरू हो जाएंगे, जैसा कि आपने स्क्रीन पर फ़िलहाल देख रहे होंगे। ये मोड आपको अगेन जब हाई काफ़ी स्पीड बारिश होती है, ज़ोरों की बारिश, तब आप इसे यूज़ कर सकते हैं। एंड इसे बंद करने के लिए सिंपली अपने बटन को नीचे की तरफ ले आए। सो अगर आपको रियर वॉशर एंड वाइपर्स एक साथ यूज़ करने हैं तो सिंपली आपको अपने लिवर को पीछे की तरफ पुश करना है। पीछे की तरफ पुश करते ही, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, आपके वॉशर एंड वाइपर्स दोनों एक साथ वर्क करने शुरू हो गए होंगे। तो ये कुछ आपके रियर वाइपर्स के कंट्रोल्स, आप इसे कैसे यूज़ कर सकते हैं। यहाँ से आपने वीडियो देखकर आई होप आप समझ गए होंगे। सो यहाँ से आप अपनी वॉशर लिक्विड को रिफ़िल कर सकते हैं। जो ये आप ब्लू कैप वाली ओपनिंग देख रहे हैं, ये आपकी वॉशर लिक्विड यहाँ पे जाती है। सो अगर यहाँ आपको रिफ़िल करनी हो तो आप यहाँ पे सिंपली अपने पानी एंड साथ ही वॉशर लिक्विड को डाल सकते हैं। सो अगर आपको वॉशर लिक्विड की ज़रूरत होगी तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक मेंशन कर दूंगा, आप वो उसे चेकआउट कर सकते हैं, उसे परचेज़ कर सकते हैं। सो ये मैं दिखाना ज़रूरी समझता था कि मे भी शायद किसी को ना पता हो तो वो इस चीज़ को देखकर समझ जाए, तो इसलिए मैं आपको ये चीज़ दिखाने बाहर निकला था। तो ये कुछ इसकी ओपनिंग थी जहाँ से आप अपने वॉशर लिक्विड को रिफ़िल कर सकते हैं। सो ये कुछ फॉडिगो स्पोर्ट के वाइपर कंट्रोल्स थे। वीडियो आपको कैसी लगी आप नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करें। और अगर आपको वीडियो यूज़फुल लगी हो, अच्छी लगी हो, तो लाइक बटन को ज़रूर प्रेस करें, अपना प्यार दिखाएं चैनल को। एंड मैं आगे आने वाले टाइम पे फॉडिगो स्पोर्ट के रिलेटेड एंड इसके फंक्शन से रिलेटेड काफ़ी और वीडियोज़ को आप तक शेयर करूँगा। सो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो डू सब्सक्राइब टू माई चैनल। और आपके किसी और तरह के अगर आपको वीडियो की ज़रूरत हो तो उसे आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करें, एंड आई विल ट्राई टू कवर इट एज सून एज पॉसिबल। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, दिस इज़ वरुण साइनिंग ऑफ।